हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज ओपियोस एक्ट्स एज ओपियोस किस तरह से एक्ट करते हैं? रिप्रेजेंट पेन किलर, यूफोरिया प्रोवाइडर्स, स्टिमुलेंट। सो द की कंसेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग अब्यूज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं उनके अब्यूज के बारे में बात करेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के होते हैं, मतलब बहुत से रोज होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। उनमें कौन से आते हैं, जैसे कि ओपियोस, ओपियोस कुछ होते हैं, जैसे कि कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। और कुछ होते हैं जैसे कि कोकेन, देन कुछ बारबिट्यूरेट, और इस तरीके के बहुत सारे हमारे ड्रग फॉर्म्स होती हैं जो कि हम मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अगर हम सबसे बात पहले बात करें ओपियोड्स के बारे में, तो जो ओपियोड्स जो होते हैं इनका जो बेसिकली इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमें दो सिस्टम पे देखने को मिलता है। एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट, और दूसरा आता है जीआईटी के ऊपर इनका इफेक्ट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जीआईटी पे इफेक्ट आने के बाद अगर हम बात करें कि इनके अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो हम जो बेसिकली यहाँ पे ओपियोड्स में सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं मॉर्फिन के बारे में। और मॉर्फिन में जो होता है, जो मॉर्फिन जो होता है वो हमारा ओपियोस का एक एग्जाम्पल है। अब ये जो मॉर्फिन होता है इसी को हम क्या करते हैं, एज अ सेडेटिव या फिर पेन किलर के फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि हमें ड्रग्स के रूप में मिलता है। तो ये क्या होता है, सेडेटिव होता है और क्या होता है, पेन किलर के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो कि रिड्यूस कर देता है पेन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कुछ और भी होते हैं हमारे ड्रग्स, जैसे कि आया हमारा कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इनके अगर अंदर हम बात करें तो इनके अंदर भी हमें डिफरेंट ड्रग्स देखने को मिलता है। और ये जो अब सबसे पहले अफेक्ट करते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। जो भी हमारा हार्ट वाला जो सिस्टम होता है वो यहाँ से अफेक्ट होता है, सीवीएस जो होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें कैनाबिनॉइड्स की, तो वो हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि हशीश हुआ, या फिर जो होते हैं भी चरस, गांजा, ये जो जिस तरह के जो ड्रग होते हैं वो हमारे कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं। और इन्होंने सीवीएस पर अफेक्ट किया, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं जिसका नाम होता है कैनाबिस सैटिवा। लास्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कोकेन की। कोकेन जो होता है वो इकलौता ऐसा होता है जो कि एज अ स्टिमुलेंट हमारा काम करता है बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, चीजों को जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं उन्हें स्टिमुलेंट कर देता है, स्टिमुलेट करता है। दूसरा ये जो होता है वो सेंस ऑफ यूफोरिया देता है, यानी कि फॉल्स दुनिया में हम चले जाते हैं हेलुसिनेशन जब ओवर डोज लेते हैं, तो वहां पे हमें हेलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा कोकेन के अंदर आता है, जो कि हमें जिस प्लांट से मिलता है उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोजेलम कोट्रा। तो ये हमारे पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं हर एक ड्रग से रिलेटेड। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ओपियोड क्या होते हैं। तो ओपियोड में हमने देखा मॉर्फिन, मॉर्फिन जो होता है वो हमारा पेन किलर की तरह था, रिप्रेजेंट नहीं होते पेन किलर, सही है यूफोरिया प्रोवाइडर, से तो कोकेन था, स्टिमुलेंट भी कोकेन ही था। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा पेन किलर। So the correct answer of this question is option number B. I hope you all understood it well. Thank you so much.